भैया जी कैसा लग रहा है? पीछे बैठ के ऐसा लग रहा है पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, अजीब लग रहा है, इतना घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे लहरिया कर। और इधर देखिए, इधर कपल फ्रेंडली इसके मास्क लगा मास्क लगा दो भैया, कोविड चल रहा है। क्या बोल रहे थे आप? हम कह रहे हैं हमारे होस्ट तो भैया है हमारे साथ, बट हमारे साथ है हमारे गुगी होस्ट। तो गुगी होस्ट जी बताइए, क्या है आज का फिर मौसम, कैसा लग रहा है आपको देहरादून का? मौसम बहुत ही ठंडा लग रहा है, ठंडा, इतना धूप है, अभी कहाँ ठंडा है बेटा। अपना जैकेट नहीं लाया भैया? अभी अभी जैकेट लाया ना आपने भैया, थैंक यू भैया जैकेट के लिए, शुक्रिया भैया। इतना प्यार तो शायद हमारी मम्मी करती है हमसे जितना प्यार आप करते हैं। लव यू भैया, मतलब इमोशनल करवाएंगे आपसे। नहीं भैया, बस आपसे ही सीख रहे हैं कैसे प्यारी बातें बोली जाए। तो दोस्तों, प्यारी बातें सबको पता होती है लेकिन इम्प्लीमेंट कोई कोई करता है। अरे हम कर रहे हैं आंखों में आंसू। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं ओली देहरादून से, और मैंने सोचा फिर से व्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि आज हमारे भाई लोग हैं, बहुत मजा करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो भैया जी है हमारे आकाश भैया, बहुत प्यारे भैया है, और हम लोग इधर बात कर रहे थे, भैया ने बैग वैग रखवाया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो अभी सुनिए सुनिए, क्या क्या प्लान, क्या क्या है प्लान, गाड़ी बैठना चलना फिर प्लान करेंगे। अरे भैया, हमको लग रहा है कि हमारा ये वाला जैकेट ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या बोलेंगे? इतना स्टेप तो नोरा फतेह ही नहीं चेंज करते जितना तेज आप जैकेट चेंज करते हैं। ये ऐसा नहीं है, बस यही है जब साथ वालों का संगत संगत का असर है, थोड़ा सा इनको ज्यादा लग गया ना यहाँ का। देहरादून में काफी टाइम से आप हाँ, तो बीच बीच में रास्ते में रुकते हुए जाएंगे हम, यहाँ से 300 किलोमीटर के आसपास है। तो आप इंजॉय करो व्लॉग को और फटाफट लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई, अब व्लॉग फिर से शुरू होगा। मामा जी को इंट्रोड्यूस कर दे, पीयूष भैया के मामा जी है, सबके मामा जी। तो ये हमारे डिफॉल्ट मामा जी है जिनको ये उपाधि दी गई है, यहाँ पे लड़कियाँ लड़के सब इनको मामा जी बोलते हैं। तो मामा जी कैसा लग रहा है मामा सुन के? तुम्हारे मुंह से तो सही लग रहा है। बढ़ते रहिए, हम फिर वापस आए बता। चलिए शुरू करते हैं। पीछे कैसा कंफर्ट है? बिल्कुल ठीक ठाक है भैया, लग रहा है भैया। एक्सप्रेस कैसा है? बढ़िया है भैया, बिजनेस क्लास तो नहीं मिला बट ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ सरक गया है, भयानक लैंडस्लाइड, और पूरा रास्ते में पत्थर आ गया है, पेड़ वेड़ सब गिर गया है। सो स्केरी भाई। सो दोस्तों, अभी हम लोग कुछ खाने के लिए यहाँ पे उतरे हैं, अराउंड एक घंटा ट्रेवल करने के बाद, अभी कुछ खाली पेट थे तो थोड़ा पेट मतलब ऐसा गैस जैसा फील हो रहा था, तो सोचा कुछ खा लेते हैं, ज़्यादा मतलब लाइट ही खाएंगे, चाय नाश्ता हो जाए। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. तो भैया जी कैसा लग रहा है? पीछे बैठ के ऐसा लग रहा है पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, मतलब अजीब लग रहा है, इतना घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे लहरिया कर। बाहर रील बनाते सब इतना गुस्सा था, बोलते हैं कि मुझसे मिलना तो पहाड़ों पर आओ, क्या है तो पहाड़ों पर, इसलिए आ तो गए हैं, हिम्मत ला रहा हूं यहां पे 50 किलोमीटर में ही है। Race, every move is on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? So, दोस्तों अभी हम देव प्रयाग में उतरे हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। नजारा देखिए गाइस, कितना सुंदर। दोस्तों वो है मंदाकिनी, और ये वाली कौन सी नदी भैया? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलते हैं, उसके पानी का कलर थोड़ा सा अलग है और इसका अलग है, ये आपने आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा।
देख कितना ब्यूटीफुल नजारा है। बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमारा अच्छा था, बट यहाँ गया हमको भी पता चला कि पानी पारदर्शी होता है बट यहाँ पे हरा कलर का, ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। नजारा दिखाते बहुत ही सुंदर मंदिर का, पानियों के अंदर है। कौन सा मंदिर? धारी देवी। सो दोस्तों थोड़े लाइक थोड़े दूरी पहले ही हमने एक हॉल्ट लिया है छोटा सा, यहाँ पर थोड़ा सा चाय कॉफी पियेंगे और पीछे बड़ा ही शानदार नजारा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि हमको पहाड़ी पहाड़ तो मिल गए पर बर्फ वाले पहाड़ क्यों नहीं मिल रहा है। आगे आगे थोड़े दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ और यहाँ से हम सुबह जाएंगे, सामान वगैरह हम उतार लेते हैं। ये कैसे लग रहा है पहुंच के वाली? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बस अभी भी एक ही कमी है, वो है बर्फ की। बर्फ नहीं दिख रही है। बर्फ नहीं दिखी। बर्फ कहाँ दिखेगी भैया? ओली में बहुत बर्फ है। तो गाइस अभी हमने होटल में चेक इन किया है, अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। राजेश भैया बड़ा जोर से मांग रहे हैं, हम रेड बुल का ज्यादा मजा एनर्जी ज्यादा हो गई। हाँ ओके। तो दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। देखो वैसे तो हमने खुद की गाड़ी से हम नहीं आए, हमने टैक्सी करी थी और टैक्सी वाले ड्राइवर बड़े ही धाकड़ थे। मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खुद की गाड़ी लेके आता तो थोड़ा मुश्किल होता और ज्यादा टाइम लग सकता था, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों पर। और आपको दिखाते हैं कमरा, रुकिए। तो दोस्तों अब आपको कराते हैं रूम टूर, देखिए कैसा लग रहा है। काफी वुडन फिनिशिंग है इंटीरियर इसका, काफी शानदार लग रहा है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी ठंड भी कम लगेगी। यस सो यहाँ पे बेड है, खाली सोफा है। ओके और इधर हीटर भी है तो कम ठंडी लगेगी और टॉवल आ गया। और इधर देखिए, इधर कपल फ्रेंडली इसके मास्क लगा दो। मास्क लगा दो भैया, कोविड चल रहा है। तो आकाश भैया बात कर रहे हैं क्या? पीयूष भैया एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? एक्सपीरियंस अभी जस्ट पहुंचे हैं, आने का एक्सपीरियंस कहाँ का? आने का रास्ते में उल्टी उल्टी हुई, रास्ता अच्छा था और व्यू देखने आए, दूर दूर से बर्फ दिख रही थी। अभी देखते हैं पास जाके ओली में कैसी बर्फ गिरती है। एक और रूम हमने किया है इधर, ये रूम भी सेम है। तो 6 लोग हैं टोटल और ये रूम भी आप देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा छोटा क्योंकि उसमें सोफा भी है और ऐसा है।